वेलकम टू ज्योति एजुकेशनल सेंटर। लास्ट वीडियो में बात करी थी मैंने पजेसिव प्रोनाउन, यानी दो प्रोनाउन हमारे फिनिश हो चुके हैं। अब थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन बटन सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट और एनी वीडियो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव, सबसे पहले आप डेमो का मीनिंग समझिए। डेमो का मतलब क्या होता है? दिखाना, किसी भी चीज का प्रदर्शन करना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कोई भी नई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, सपोज माइक्रोवेव या कोई भी प्रोडक्ट हमें खरीदा, फिर कंपनी वाले क्या कहते हैं, आपको हम एक पर्सन भेजेंगे जो आपको इसका पूरा डेमो देगा कि हाउ टू यूज इट, हाउ टू कुक इन इट। ठीक है, जो भी आपके डाउट्स आप पूछ सकते हैं पूरा डेमो आपको देगा। तो मतलब पूरा दिखाएगा वो करके कि इसको कैसे यूज करते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो इसी टाइप से डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस मतलब जो पॉइंट आउट करें किसी भी चीज को, मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब पॉइंट आउट करना, किसी भी चीज को जो दिखाए बिना उसका नाम लिए आपको दिखाए। जो जैसे ये है, वह है, आपने सुने भी है दिस दैट दीज एंड दोस। तो हाँ, ये भी आपके प्रोनाउन होते हैं जिनको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन कौन से मैंने यहां पर लिखे हैं, देखिए, दिस दैट दीज दोस सच से, जिसमें से सबसे ज्यादा यूज जो आपके होते हैं वो ये फोर है। ठीक है, इसका भी मैं आपको अच्छे से यूज बताऊंगी। ये भी हम यूज करते हैं लेकिन ज्यादातर हम ये वाला बहुत यूज करते हैं, इसके बिना कोई भी दिन हमारा नहीं जाता होगा। तो मतलब पॉइंट आउट करके, अब जैसे ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, मैं ज्योति हूं, मेरा पेन है ये, दिस इज माई पेन, मैं आपको दिखा के कर रही हूं ये मेरा पेन, तो आप सब मेरी तरफ देखोगे, दिस की मेरे हाथ में जो। अच्छा, अब डेट भी इस पर्पस से यूज होता है, और जो दीज और दोज होते हैं ये इनका प्लूरल होते हैं, यानी कि एक पेन है तो मैंने दिस कह दिया, लेकिन अगर मेरे पास दो या उससे ज्यादा पेन होते, जैसे मैंने यहाँ पर ये थ्री पेन ले लिए और ये सभी मेरे पेन है, तो मैं ये नहीं कहूंगी दिस इज माई पेन, मतलब एक ही हो जाएगा फिर तो, दीज आर माई पेन्स, ये मेरे पेन है। तो दिस का जो प्लूरल है वो हो गया दीस, और ऐसी डेट का प्लूरल, डेट भी सिंगुलर के लिए यूज होता है, उसका हो गया दोस। लेकिन दिस और दो, दिस और डेट में डिफरेंस क्या है, हम कब हम दिस यूज करेंगे और कब हम डेट यूज करेंगे। ठीक है, दिस हम यूज करते हैं पास की चीजों के लिए, जो चीजें मुझसे मेरे पास है, जैसे ये पेन मेरे पास है तो मैं कह रही हूँ दिस इज माई पेन, जिसको मैं टच करके शो करवा सकती हूँ। और डेट हम यूज करते हैं तो मैं दूर वाली चीज जो हमें दिख रही है लेकिन हमारे हाथ में या हमारे पास में वो बिल्कुल नहीं है, थोड़ा हमसे डिस्टेंस पर है और ऐसे इशारा करके उसको बता रहे हैं। डेट, जैसे वहां पर मेरी कोई बुक पड़ी हुई है, डेट इज माई बुक, या वो आपकी बुक है, तो देखिए वो आपको नहीं, ओ मेरे साथ कोई पर्सन खड़ा है, यस आई गॉट डेट इज माई बुक, वो मेरी बुक है, यानी वो अभी मेरे हैंड में नहीं आई है, उससे टच नहीं हुई है। और दिस हम यूज करते हैं जो बिल्कुल मेरे पास होता है, बिल्कुल मेरे पास है, जैसे पेन अगर मैं जब तो दिस इज माई पेन, जो डिस्टेंस पे नहीं है, तो ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो दिस हम यूज करते हैं पास वाली चीजों के लिए, जबकि डेट हम यूज करते हैं दूर वाली चीजों के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ क्या क्या बताया अभी, दिस, दिस का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, एक तो दिस, तो दिस एंड दिस किस लिए यूज होते हैं, पास वाली चीजों के लिए। और डेट का प्लूरल मैंने क्या बताया आपको, दोस, दोस आर माई बुक्स, दूर से कह रहा है दोस आर माई बुक्स, वो है मेरी बुक, दोस आर माई बुक्स, ये इसका प्लूरल हो गया। ठीक है, फार ऑब्जेक्ट के लिए, फार ऑब्जेक्ट यूज टू पॉइंट आउट दोस, यानी डेट एंड दोस आर यूज टू पॉइंट आउट फार ऑब्जेक्ट, एंड दिस एंड दीज are used to point out nearby object, पास वाले के लिए जो object near होते हैं। ये अभी आपके चारों खत्म हो गए, this that this, अब such और same का देखिए, हम use करते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को इनका use पता होता है, जबकि हम real life में बहुत use करते हैं। आज आप समझ जाएंगे कि हम कितना ज्यादा pronoun use करते हैं। such किस purpose से use होता है, क्या होता है, पहले ही sentence पढ़िए, इससे आपको समझ आ जाएगा। He is my elder brother and as such he has the right to scold me, वह मेरा बड़ा भाई है और इस नाते उसे अधिकार है मुझे डांटने का। अब इसमें क्या यूज हो गया, प्रोनाउन का मतलब तो होता है नाउन को रिप्लेस करना, इसमें क्या यूज हो गया, देखिए he is my elder brother, ये हो गया, फिर मैं
कर दिया, यानी सच प्रोनाउन कैसे हो गया, क्योंकि इसने नाउन को रिप्लेस कर दिया एल्डर ब्रदर, एंड एज एल्डर ब्रदर ही हैज अ राइट टू स्कोल्ड मी, बड़ा भाई होने के नाते उसे राइट है मुझे डांटने का, वह मुझे डांट सकता है। तो मैंने पहले बता दिया मेरा बड़ा भाई है ये और मुझे डांट सकता है बड़ा भाई होने के नाते, तो मैंने बार बार ही यूज नहीं किया एंड एज एल्डर ब्रदर या एंड एज एज माई एल्डर ब्रदर ही हैज अ राइट टू स्कोल्ड मी, मैंने बस छोटा सा सच यूज कर दिया जो कि एक प्रोनाउन है। सच मतलब यूज होता है उसके नाते, एंड एज सच मतलब ऐसा होना, सेम नहीं, सेम और सच में डिफरेंस है, सेम मतलब बिल्कुल वही चीज, एज सच मतलब हम किसी के रेफरेंस में उससे कंपेयर कर रहे हैं कि उस नाते वो ऐसा है इसलिए, ठीक है। एक और सेंटेंस आप करिए, सच इज योर मिस्टेक दैट ही विल नॉट फॉरगिव यू, इस तरह की तुम्हारी मिस्टेक है कि वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, सच आर योर मिस्टेक। अब जैसे कोई भी मिस्टेक करी है मैंने बहुत सारी, तो मैंने उसमें बस सच को कैसे रिप्लेस कर दिया, सच इज इस तरह की तुम्हारी मिस्टेक है, जैसे मैंने कोई चीज देखी और उसकी मिस्टेक निकाली, अब इसके बाद मैं बार बार उसकी मिस्टेक पूरी उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्या कह दूंगी उसको, सच मैंने उसको मिस्टेक समझ गई हूँ और उसकी मिस्टेक होने के लिए सच इज योर मिस्टेक, इस तरह की तुम्हारी मिस्टेक है, वो तुम्हें कभी माफी नहीं कर सकता, माफी लायक नहीं है तुम्हारी मिस्टेक, इस तरह की मिस्टेक है। तो सच नहीं कह दिया कि बहुत बड़ी मिस्टेक है, कोई मुझे उस मिस्टेक को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा, ठीक है। इस तरह से हम सच का यूज करते हैं। अब सेम का यूज क्या करते हैं, वेरी सिंपल, अभी आपको कोई विश कर रहा है हैप्पी दिवाली, आप इसमें क्या लिखते हो, विश यू द सेम, या सेम टू यू मतलब भी यही होता है। तो आपने कभी नोटिस किया जो हम सेम टू यू बोलते हैं वो सेम है क्या, वो सेम है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यानी जिससे हम सेम टू यू विश, जैसे हैप्पी दिवाली विश यू द सेम, तुम्हें भी सेम टू सेम, तुम्हें भी वही चीज। तो मैंने पूरा हैप्पी दिवाली नहीं बोला, विश यू द हैप्पी दिवाली, विश यू द सेम, तुम्हें भी मुबारक हो, इस तरह इसने भी नाउन को रिप्लेस कर दिया हैप्पी दिवाली, तो ये भी क्या हो गया प्रोनाउन, इस तरह से यूज होता है हमारा। आई होप अब आपको डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी क्लियर हो गया होगा, आगे भी मैं हर प्रोनाउन पर ऐसी ही वीडियो बनाती रहूंगी, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।